त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखास्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव त्वमेव सर्व मम देव देव ओ सर्वावतारिणे श्रीहरि कृष्णाय नमः ॐ श्री घनश्यामाय नमः ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः सहजानंद स्वामी महाराज नी जय। जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण हरे जोश थी। स्वामी नारायण हरे। ब्रह्म मुनि कहे भूपति तमें भली पूछिए बात विस्तारी सर्वे कहूँ अवसान लीला जगत्रात जे कारण धर्यो देह ने ते कारज करी कृपाड़ जावा इच्छा निज धाम मा पुरुषोत्तम जन प्रतिपाड़े। हवे ब्रह्मानंद स्वामी कहे छे राजन तमे बहु सरस पूछ्यू के श्रीजी महाराज अंतरधान लीला करी ई कथा मने कहो। भगवान धाम में गया हो बहु नवीन कथा याद आज जे वाँचतो तो ई थोड़ी भूल थी गई आती काल नु वंचाई गयो आज नु रही गयो एमां थोड़ुं लेट थयो समझाय ने। ब्रह्मानंद स्वामी कहे छे अवसान लीला विस्तार थी हूँ कहूँ छू सांभळो राजन जे माटे प्रभु देह धारण कर्यो ई काम पूरू थई गयूं एटले प्रभु आलोकमयथी जावानी इच्छा करेली छे अने मनमां पोते विचार कर्यो भगवान श्रीहरिए के आ पृथ्वी उपर आवीने मैं बहु काम कर्या हो एक व्यक्तिए घणा बधा काम करी जाए छे ज्यारे आ तो साक्षात भगवान छे। अधर्म विराम पाम्यो एम मन में संकल्प कर्यो पछी श्रीजय महाराज एक मोटी सभा भरी से ए संतो हरिभक्तो बधाने बोलाव्या दरबार में था ने गढ़पुर में बधाने बोलावीने महाराज बिहार्या बधाने के बधा ध्यान थी सांभळो अमारी अंगत वात तमने कहूँ छू खास आज ने मारी भलामण हो बहु सारी भलामण छे। बैठा संत पाड़ा ब्रह्मचारी निज पुत्र युभय सुखकारी हरिजन घना नर नारी बैठा सभा मा श्याम निहारी। जेटला संतो हता ए बधा संतो पार्षदो ब्रह्मचारीओ बे आचार्य श्रीओ सभा में बैठा चंद्रमा एटले पूनम नो चंद्र आकाश में
वच्चे चंद्र होय ने चारे बाजू तारा तारा ने मध्य चंद्र शोभे एम भगवान श्रीहरि शोभी रहा छे अने बधाज भगवान नी हामे जोईने बैठा छे। चक्कोर पक्षी ने तमे जोयुं नहीं होय, जंगल में एक चक्कोर पक्षी थाय छे एने चंद्रनी साथे एटली बधी प्रीति एने जोया विना रही शकतुं नथी। चंद्र उगे ने आम जोई राखे, जोता 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 चंद्र धीरे धीरे अधर चलतो जाए पाछळ उथली पड़े। आम आखी रात चंद्रमानी अमे जोए पूनमनी रात में, एटलो चंद्र एने प्यारो छे। एम संतो अने भक्तजनों बधा श्रीहरिनी सामे चंद चकोरनी जेम जोई रह्या छे। भगवान श्रीहरि प्रेम थी बोलिया, हो सुनो संत ने सत्संगी वात। नर नारी संत सत्संगी बधा सांभळो। महाराज के जुओ, आपणे आ पृथ्वी उपर दुर्लभमां दुर्लभ मनुष्य देह मळ्यो छे, जे देहने स्वर्गना देवताओ इच्छे छे। भारत भूमि में ज्यां हरिभजन थई शके एवी जग्या अमने जन्म आपो। के हो जेने करीने भजी प्रगट प्रभु भय हारी, भय मात्र ने हरनारा भगवाननु भजन करी लईए। हो आत्मानु श्रेय करूं जेथी मटे जन्म ने मरवूं। मोटामां मोटू दुख होय तो जन्म अने मरणनु। हो पुनर्जन्म ई छे बीजो जन्म, के हजी कंईक बीजो सारा काम करी तो सारो जन्म मळे बीजो। फरीवार जन्म ने ई छे ई मूर्ख में मूर्ख कहेवाय। शुं कहेवाय? फरीवार जन्म ई छे बीजो, हजी कंईक जन्मवुं छे। क्यां आवशे भाई? थोड़ा ईर आवशे जन्म, क्यां आवशे बीजो? मर्या पछी नक्की छे कंई? बोलो, आफ्रिका में आवी जाय तो काड़ियाने घरे शुं थाय? क्या धोखा खावा पड़े एवं घरे जन्म आवी जाए तो? जेम तेम करीने बीजो जन्म इच्छवो ज नहीं क्यारे पण। हो आ जन्म में ज आपणुं पूरुं करवुं छे, बस बीजो जन्म हवे धारण करवो ज नथी, आवुं नक्की करी नाखो। बीजो जन्म इच्छे एने मूर्ख कहेवाय। मानव जन्म वडे करीने ये भारत देश में अभय पद पामी शकाय छे। હવે જન્મ મરણથી રહિત થવા માટે એટલે હરિનું ભજન કરવા માટે બે મોટામાં મોટા વિઘ્ન છે જીવાત્માને। હો મોટામાં મોટા બે વિઘ્ન, બે વિઘ્નને કારણે જીવાત્મા ભટકે છે નર નારી જન્મ અને મરણની ભવાટવીમાં। એક તો દેહમાં અહમ બુદ્ધિ, હું કાંઈક હું કાંઈક, સમજાને, માણસને પોતાનું વખાણ કરવા ફાવે બીજાને નહીં। એક તો અહમ બુદ્ધિ અને બીજી મમતા। ધૃતરાષ્ટ્રને શું હતું? મમતા જ હતી ને, મારો દુર્યોધન મારો દુર્યોધન, એમાં શું ફાયદો થયો એને? અહમતા અને મમતા વિદુરજી ઘણા સમજાવ્યો ધૃતરાષ્ટ્રને, કે તમારું દુર્યોધન છે ને કુળનો નાશ કાઢશે, કહો એક જ એવો છે કે આ હો જણાને મારી નાખશે, કે લ્યો કંઈક સમજો। પણ એને એવું હેત હતું ધૃતરાષ્ટ્રને દુર્યોધનમાં, એ દુર્યોધન ગમે એટલા નખરા કરે ને એને મીઠું જ લાગે, મારે દુર્યોધન એવો સારું જ લાગે, મારો બેટો, બીજી વાત નહીં, તારો બેટો તારા હો બેટાને બાંધી નાખ્યા પાછા, છેલ્લે એ મર્યો પાછો। શું કામ? મમતા, મારું, મારી વસ્તુ, મારું અને હું, એ જ અજ્ઞાન છે અને એ જ માયા છે। અહમતા અને મમતા આ બે વસ્તુ વડે કરીને જીવાત્મા ભવ કૂવામાં પડે છે। ભવ એટલે જન્મ મરણ, ભવાટવી એના કૂવામાં પડે છે અને પુનરાવૃત્તિ થાય છે। જમપુરીમાં જઈ અને જીવાત્મા માર ખાય છે યમદૂતોનો, પેટ ભરીને માર ખાય। હો હે માયા ટળે ત્યારે સુખ થાય, પણ ટાળ્યા વિના ન ટળાય। જીવને જ્યારે માયા ટળે છે ત્યારે જ સુખ થાય છે, પણ માયા ટાળ્યા વિના એમને એમ ટળી જતી નથી। ભગવાન શ્રીહરિ સભામાં કહે છે આ જીવાત્માને
अहंता अने ममता जेटली दुखदायी छे ने जीव ने हो आपने जीव सुधी तो पहोंच्या नहीं था आपने आ देखिए देह में पड़िया छे जीव ने अहंता ने ममता जेटलू दुख दे छे ने एटलू बीजू कोई दुख देतु नथी तो ये अहंता ममता ने माया टाड़वाना चार उपाय छे वेद शास्त्र अने पुराणों में कहेला छे महाराज के ध्यान थी सांभळो हो अहंता ने ममता हृदय मांथी टाड़वी होय अने जीवात्मा ने सदाय सुखिया थवुं होय तो चार उपाय शुं वृष ज्ञान त्रिजो वैराग्य तेणे सहित भक्ति बड़ भाग धर्म ज्ञान वैराग्य तेणे सही धरीने भक्ति करवी बस आ चार उपाय भक्ति एक ज छे पण एमां धर्म होवो जोईए ज्ञान अने वैराग्य आ त्रण सहित भक्ति माया टड़ी जाए अहमता ममता टड़ी जाए भक्ति एटले महाराज कहो मारी नवधा भक्ति करे जन मारी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम नव प्रकारनी मारी भक्ति करे दुस्तर माया ने तरी जाए छे तो महाराज कहे छे त्यागीना धर्म अमारा ग्रंथमां छे त्यागी होय गृही होय नर नारी बधाना धर्म लखायेला छे अने जीवात्मा ने देह थकी अलग मानवो कम से कम एटलू तो ज्ञान होवू जोईए के जीव छे ई आ शरीर थी जुदी वस्तु छे एक दी आ शरीर मरी जाए छे त्यारे जीवात्मा अंदर थी विदाय लई जाए छे विदाय लई जाए शरीर मरी जाए हवे एने क्यां जाऊं ई आखा जिंदगी में जे कर्म कर्यो ए प्रमाणे एने रस्तो मळे छे जीवात्मा ने પસ્તાવો પછી તેદી થાય અત્યારે તો કાંઈ નહીં તમે ગમે ખાઓ પીઓ મોજ મજા કરો કોઈ કેતલ છે મને કાંઈ ગમે તેમ કરો ને આજે કોઈ કેતલ છે નહીં પણ પસ્તાવો કીધી થાય જેથી જીવ આ શરીરમાંથી બહાર નીકળે ને હવે એને પછી રસ્તો દેખાય કર્મ પ્રમાણે એનો રસ્તો દેખાય ભાઈ તેથી પછી હવે તો કાંઈ એના હાથમાં વાત રહે નહીં કાંઈ